मैं हूँ अभी जायका चाइनीज सेंटर के किचन में और शेफ राकिब है हमारे साथ और आज हम शेजवान बना रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट होता है उसमें शेजवान की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही लगती है, तो आज हम 40 किलो शेजवान बना रहे हैं जो कि ये होटल में यूज़ होगा। तो शेजवान बनाने के लिए एक बड़ी से बर्तन ले लिए और उसमें लगभग ये 7 किलो ऑयल है, 7 लीटर ऑयल है वो डाल दी हमने, कुकिंग ऑयल है नॉर्मल। तो तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लेना और तेल गरम होने के बाद ये 7 हमने स्टार फ्लावर लिए उसको तोड़ करके डाल देंगे इसके अंदर, तेल के अंदर। तो ये 40 किलो शेजवान बन रहा है, तो आपको 7 लीटर तेल लेना है और तेल अच्छे से गरम करके फिर उसके बाद स्टार फ्रूट जो है 7 उसको तोड़ के डाल देना। स्टार फ्रूट डालने के बाद उसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें जो है अपना लहसुन डालेंगे, छोटा कट किया हुआ चॉप गार्लिक जो होता है वो डाल देना। तो ये लगभग 5 किलो लहसुन है वो डाल देंगे। पाँच किलो लहसुन है उसको छोटा छोटा कट कर लेना और वो डालने के बाद इसको मिक्स करते रहना है। लहसुन डालने के बाद आपको हिलाते भी रहना है ऐसा कि पकड़े नहीं वो, और गैस तेज़ रखना है इस प्रोसेस में। तो लहसुन को लगभग हमने 10 मिनट पे तेज़ आंच पे फ्राई किया है। अगर आप घर में बना रहे हो तो आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन लहसुन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद अब हम 5 किलो इसमें अदरक डालेंगे। 5 किलो लहसुन हमने डाले थे, अब 5 किलो अदरक, पिसा हुआ अदरक डाल देना आपको। तो ये 5 किलो अदरक जो है, अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट वो हमने डाल दिए, और 5 किलो जो है ये हरी मिर्ची है कुटी हुई वो डाल देना है। अदरक डालने के बाद चलाते रहना और फिर थोड़े टाइम में मिर्ची भी डाल देना आपको 5 किलो। और मिर्ची डालने के बाद उसको चलाते रहिए और थोड़ी देर बाद सैलरी पत्ता, जो वेज एक भाजी होती है चाइनीज़ भाजी, उसको 1 किलो आपको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद जो पेस्ट है उसका वो इसमें डाल देना है। तो ये हमने 1 किलो जो सैलरी पत्ते का पेस्ट है वो डाल दिया। सब डालने के बाद मिक्स करते रहना है आपको। तो सब वेजिटेबल जो है वो डालने के बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख देना है ताकि जो कच्चापन है वो पक जाए अच्छे से। तो ये लगभग 10 से 15 मिनट हम इसे, जो भी अपने चिल्ली था, गार्लिक था, जिंजर और वो वेजिटेबल चाइनीज़ वो सब डालने के बाद इसको ढक्कन ढक के 10-15 मिनट छोड़ना है। बीच बीच में आपको चलाते रहना है कि नीचे से पकड़े नहीं और कुछ इसका कलर ऐसा हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। और अब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। तो ये 5 लीटर का गैलन है वो पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस, और 5 लीटर जो है वो टमाटो केचप डाल देंगे इसके अंदर। पहले हमने रेड चिली सॉस डाले 5 लीटर और अभी 5 लीटर टोमेटो केचप डाल देंगे। तो ये 5 लीटर का गैलन है। तो ये लगभग 40 किलो शेजवान बन रहा है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। और ये लगभग आधा किलो जो है अजीनोमोटो डाल देना है, ये अजीनोमोटो जो है आधा किलो वो डाल देना, और ये आधा किलो जो है नमक डाल देना। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से आधा किलो नमक जा रहा है इसके अंदर, और वाइट पेपर पाउडर डाल देना ये लगभग 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम आपको वाइट पेपर पाउडर जो तेगी मिर्ची होती है वो डाल देना। और शेजवान के कलर के लिए आप रेड फूड कलर डाल सकते हो, तो ये आप अपने कलर के हिसाब से डाल दीजिए जितना आपको डालना हो रेड फूड कलर। आप सब मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो अब आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हो पूरा शेजवान का जो लुक है वो आ गया। जितना चलाएंगे आप उतना ये रेड होता जाएगा। तो ये शेजवान का आप कलर ऐसा देख सकते हो। तो अब इसे बस धीमी आंच पे पका करना है कि जब तक उबाल आ जाए, फिर उसके बाद आपको अगर थोड़ा और तीखा ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें शक्कर डाल दीजिएगा।
शक्कर डाल के आप उसका टेस्ट जैसा भी आपको मीठा तीखा करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग एक मुट्ठी हमने शक्कर डाल दिए। तो आपको जैसा आपको तीखा मीठा चाहिए आप उस हिसाब से उसमें शक्कर डाल के, और बस हमारा जो है शेजवान रेडी हो चुका है। अब इसे बस धीमी आँच पे ढक के रख देना है कि धीरे धीरे इसको उबाल आ जाए, फिर हमारा जो है शेजवान रेडी हो। और आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो स्टोर करके, आपको जब भी खाना है फ्रिज में रख दीजिए, खाते रहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आज किचन थोड़ा ज़्यादा बिजी था इसलिए आपको नॉइज़ भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में। ठीक है, थैंक यू।